गगन पोलु कर लिंदो दिबगन मिल लिंदो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को बहुत दिन के बाद फिर से मुलाकात कर रहे हैं। तो गाइस, आज का जो कंटेंट है ना, जो कंटेंट हम बनाने जा रहे हैं और बहुत मजा होगा। और आज मैं कंटेंट बनाने जा रहा हूँ सी धोनी का ग्राउंड थोड़ा एक्सप्लोर करेगा, सी धोनी ग्राउंड एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे पहले हम सब ये धापो को थोड़ा घूम लेते हैं, धापो को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, धापो टाउन को, जो धापो अंदर में जितना पड़ता है और जितना है और उसका टाउन और मार्केट कितना है और कैसे है, ये सबको एक्सप्लोर भी करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये सी धोनी ग्राउंड में आकर में जाएंगे, वहां में जाके पूरा हर जगह हर चीज को एक्सप्लोर करेंगे, एक किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ का जितना नजारा होगा वो सबको आप लोग आज एंजॉय करना, ठीक है। तो हम आज अभी आए हैं यहाँ पे बीएनपील और यहाँ पे मेरे पीछे है मेरा दोस्त और हम लोग मिलेंगे मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप के साथ, ठीक है। और ये है मेरा बीएमडब्ल्यू और हमारा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे मोबाइल लगाएंगे और ये ईयरफोन है, उसको हम लोग माइक की तरह यूज करेंगे, एक माइक्रोफोन की तरह। तो देर ना करते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे है बीएनपील और यहाँ बीएनपील का नजारा ऐसे कुछ है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम शानदार है। और यहाँ पे स्पेशली क्रिकेट भी खेला जाता है और कभी कभी तो फुटबॉल भी, और फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे होता है और क्रिकेट का भी। तो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे। तो अभी दापुरिजो को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अब से देखो ये सी धोनी के ग्राउंड में ना जितना चल रहा है और कितना कार्यक्रम हो रहा है और जो प्रोग्राम है और जितना भी चीज़ें है स्पेसिफिक, उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा देर में हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये इस तरफ से एंट्री करके वहाँ से हम थोड़ा जितना जगह है वहाँ का जितना जगह है हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल दापुरजो का मेन मार्केट को एक्सप्लोर करना है, मतलब तो कुछ देर में हम लोग यहाँ पे आएंगे सी धोनी ग्राउंड और वहाँ का चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और आज मेरा साथ भी है तहा नाचो, उसका भी खुद का एक यूट्यूब चैनल है, उसका चैनल का नाम तहा नाचो ऑफिशियल। तो आप लोग सकेगा तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एज ए सपोर्टर और एज ए सब्सक्राइबर। तो इससे पहले हम डलाते हैं अपने बाइक पे पेट्रोल, बिना पेट्रोल का कुछ भी नहीं, उस पर हम आ चुके हैं धापुरजो का पेट्रोल पंप। लेकिन थोड़ा झगड़ा हो रहा है, थोड़ी देर पहले पूरा पेट्रोल पंप पे झगड़ा हो रहा है, पता नहीं किसको लेकर झगड़ा हो रहा है, उसको मालूम नहीं। हम लोग अपना काम पे ध्यान रखना है। हम लोग पहुँच चुका है ट्रांसपोर्ट कॉलोनी और यहाँ का नज़ारा है कुछ है और यहाँ का कंडीशन। तो आज का मेन मोटो है कि यहाँ का हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, दापुरजो का मेन टाउन को एक्सप्लोर करना और आखिरी में जाके हम लोग की सी धोनी ग्राउंड को भी एक्सप्लोर करेंगे। और आज इतना ज़्यादा घड़ी क्यों गिर रहे हैं, लेकिन क्यों घड़ी गिर रहा है, थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा दो तीन घड़ी गिरते हुए, लेकिन मैंने अपना यहाँ से कैप्चर नहीं किया। तो ये है न्यू मार्केट, यहाँ का कंडीशन ऐसे कुछ है और नज़ारा, कमेंट करके बताना कि ये जगह अंदर डेवलप है ना डेवलप है। और ये धापुरजो का मिनी स्टेडियम, यहाँ पे हर चीज़ होता है, जैसे कि टूर्नामेंट हो गया, कुछ कुछ डांस हो गया और यहाँ भी ज़्यादातर प्रोग्राम यहाँ पे होता है, धापुरजो का एक शान भी बोल सकते हैं इसको। तो ये है होटल केतु, धापुरजो का होटल केतु और वहाँ पे है सांतानु होटल। कल तो मैं भी खुद का रंग बिरंगी कोट के साथ घूमेंगे। एक्चुअली एंट्री पॉइंट ये है, यहाँ से एंट्री करके बाइक को खाली पार्किंग करना है। वाह, मजा आया। तो गाइस, हम आ चुके हैं ग्राउंड में, ये सी धोनी ग्राउंड। तो यहाँ का चीज़ को हम थोड़ा दिखाएगा। और यहाँ पे ट्रेडिशनल वे पे ये घर को भी बनाया गया है और हर चीज़ डेकोरेशन किया गया है, अभी उसका भी आपको सबको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं और एक घर और और एक जगह को। और यहाँ का एक खूबसूरत है, एक घर का जो पत्ता है वो भी लोकल पत्ता से बनाया हुआ है। और यहाँ का चीज खुद खुद का सोसाइटी का नाम पे एक घर भी बनाया गया है यहाँ का। यहाँ पे अपना ग्योमसिंग का भी है और एयू का भी, तामिन का भी और अपना नालों का भी है। वो नीचे से हम लोग आके हर चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अभी नीचे से जाके वहाँ से आके एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से वीडियो शुरू होते हैं और ये है एच एन नमलो। तो घर पूरा यहाँ से ओके, और ये अपना बुनिंग नमलो और इसका भी एक पार्टिकुलर पोनिंग ग्रुप है, पोनिंग ट्रूप्स। और हर एक नाम का खुद का एक पार्टिकुलर पोनिंग ट्रूप्स होता है यहाँ का। और ये है बागिंग नमलो, ऐसे कुछ ट्रेडिशनल वे पे घर को भी बनाया गया है। एकदम पत्ते भी देख सकते हैं, पत्ते भी पूरा लोकल का, और यहाँ के पत्ते भी पूरा लोकल से बनाया हुआ है। और ये घर का जितना भी बनाने के लिए जो किंग्स यूज़ किया गया है वो भी पूरा लोकल से बनाया गया है। और ये पूरा चीज़ बम्बू से बनाया हुआ है। और ये सुनी नमलो, वाह, ये तो एकदम मज़ा से बनाया हुआ है यहाँ की इतना। और ये
तो अभी यहाँ पे कोजम नाम लो, ये कोजम सोसाइटी का है और यहाँ पे अपना यंकी सोसाइटी और यंकी नाम लो सोसाइटी भी बोल सकते हैं, नाम लो भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक यंकी एक सोसाइटी का नाम है। और ये है माइंग, ये माइंग नाम लो है यहाँ पे, लेकिन इतना सुनसान हो गया बेटा, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया आज, सब लोग नहीं आया होगा यहाँ का। और ये टोपो, टोपो वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से ये घर है टोपो नाम लो। एक चीज़ है, सबका ये गेट एंट्री जो अलग अलग है, तो ये अपना नालो है, तो नालों में तरह उतरेगा, नालों में जाके, तो ये अपना नालों का घर है, ना ये अपना नालों का है। पता है यहाँ पे एक फॉरेनर है, इतना फॉरेनर लोग होते हैं ना, बहुत दिल भरा होते हैं वो लोग ना, जो 50 रुपए का बांसुरी थी था, 50 रुपए का बदले एक पाइपानी देके चला गया। और चाचा ने भी बोला कि अपना खुद को माया लगे दीदी, बोले हेड्स ऑफ टू फॉरेनर्स। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था, तो अभी हम लोग जाएंगे स्पोर्ट का, वहाँ पे जाके जो स्पोर्ट करते हैं उसको दिखाएंगे। स्पोर्ट बहुत तरह का होता है, वहाँ पे नाका तरह होता है, लिंग देख सुनो होता है, और युगदा चिक सुनो होता है, उसी पुख सुनो होता है, अभी जाके चलो स्पोर्ट में मिलते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है लेडीज का तागो कर, और वहाँ पे अंतियास है, और इस तरह भी अंतियास होगी। तो यहाँ पे भी एक सोसाइटी, सोसाइटी का अंदर से ये कंपटीशन होगा, ये सिडोनी फेस्टिवल का स्पोर्ट है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ अपोनेंट्स, और वहाँ पे भी खड़ा है आंटी लोग, और यहाँ पे तो देखते हैं अभी कौन जीतेगा। मैं यहाँ पे हूँ, जो एकदम जो स्पोर्ट है, जो ताग ऑफ वॉर को एंजॉय करते हुए यहाँ पे देता हूँ। कुछ देर के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा, और ये थाने वाला शुरू होगा, दिखाएंगे कौन विनर होता है, वो एकदम अभी मजा से देखेगा। और यहाँ पे अंतियास का गेम हो रहा है, ये तगड़ा देख रहे हैं ना, तगड़ा देख रहे हैं। ये अंतियास जल्दी ताकत लगा, ताकत लगा। अरे इस तरह को लानते पास हार गया। तो अभी फिर से रीमैच होगा, यहाँ पे 3 times होगा, जो 2 बार जीते वही विनर होगा यहाँ का, और वो लोग नेक्स्ट लेवल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अभी यहाँ का पूरा उधर चला गया, वहाँ का यहाँ पे आ गया। तो वैसे अभी ये फाइनल है, तो अभी यहाँ पे जो जीतेगा वही डायरेक्ट विनर कहलाया जाएगा। तो ये वाला एक बार जीता, वो वाला एक बार जीता, अभी फाइनल है। तो वैसे हमने आज जितना दिखाना दिखा लिया, जैसे कि घर को दिखा दिया ट्रेडिशनल वे पे जो बनाया हुआ था, जो घर जो उसको भी दिखा लिया, अभी स्पोर्ट भी दिखा लिया। आज स्पोर्ट एक्चुअली सुबह से शुरू हुआ था, तो ये लास्ट था, क्योंकि मुझे इतना ध्यान नहीं था कि आज स्पोर्ट हो रहे हैं, लास्ट स्पोर्ट को अटेंड कर पाया। फिर ये आगो बार था जो लेडीज का, अभी हम लोग जाएंगे ये स्टेज को देखने, उसके बाद स्टेज को देखने के बाद वीडियो को यही पे खत्म करेगा। ठीक है, तो ठीक है स्टेज पे आते हैं। तो स्टेज ये है, स्टेज तो यहाँ पे पूरा ये स्टेज पर बन रहा है, तो बोला कि अभी यहाँ से सफा करेगा और कारपेट बिछाएगा, जिसके कारण हम लोग को इतना ज़्यादा एलो नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फटाफट से फोटो खींचते हैं, वीडियो भी इतना नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ का टाइम लिमिटेड दिया गया है, जो जल्दी जल्दी बना बोला है। तो ठीक है, तो गाइस अभी हमने फोटो सेशन कर लिया, और मैं फोटो को इंस्टा पर अपलोड करूँगा, और जैसे कि मैं कहा था मेरा इंस्टा फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर लो, यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस आज का जितना एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन वीडियो है, तो आज यहाँ पे हम अप करते थे। सिडोनी का एक सिनेमेटिक शॉट भी देखने को मिलेगा आप सभी को, जो मेरा फैमिली के साथ होगा, और यहाँ का जितना कर रहा है उस चीज के बारे में, और उन चीज को कैप्चर करके एक सिनेमेटिक शॉट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ का डेली ब्लॉग भी देखने मिलेगा। ठीक है, हर दिन, और मजा से टीम का नाम है, आई मीन ट्रूप्स का नाम है पूरा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे निशी अनु
और तीन भी है और यहाँ पे बजर घलो इचोरिया ने यहाँ पे बहुत से नाम है जो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हम अपना पादम इनका अल्पावित होता है पादम में उतना पढ़ने नहीं आता है इसी कारण मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा तकलीफ हो रहा है। गाइस इसी तरह साथ में बने रहना और खाते पीते स्वस्थ मस्त रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।